Assalamu alaikum class, good morning. How are you all? Hope that you all are good. This is Adnan Ahmed, your class teacher as well as your English teacher. Today we are learning our unit number 9, which name is technology. हम लोग अपना unit number 9 technology पढ़ रहे थे, उसी को आज continue करेंगे. इसमें हमने page number 78 से cell phones के मुतालिक हमने बहुत कुछ पढ़ा था, इसकी history पढ़ी. देन सेल फोन टुडे पढ़ा, आजकल के दौर में क्या सेल फोन ऑनरशिप पढ़ी, एंड सेल फोन कल्चर भी हमने गो थ्रो कर लिया था. 78 से 79 तक हम अपनी अप्रोच कर चुके थे, जिसमें हमने इसका पैरा नंबर 8 भी पढ़ लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इस लास्ट पैरा. आज हम इसका आखिरी पैरा पढ़ने जा रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ कल्चर. मैनी पीपल फील से स्टार्ट करते हैं. मैनी पीपल फील, बहुत से लोग ये सोचते हैं that the use of cell phone should be restricted. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो सेल फोन का इस्तेमाल है उसके ऊपर कैद लग जानी चाहिए, उस पर बैन हो जाना चाहिए. कैद लगा दें कि भाई मखसूस टाइम में आप ये इस्तेमाल करना है, इस टाइम में यूज़ करना है, इस टाइम में नहीं यूज़ करना. एंड वाई बी पीपल वॉन्ट दिस, क्यों चाहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ यूजिंग टू मच सेल फोन पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व, की पीपल आर बिकम्स क्वाइट एडिक्टेड ऑफ यूजिंग द मोबाइल्स. बहुत से लोग क्या है, मोबाइल्स की उन्हें बुरी आदत लग रही है एंड नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे इसी की वजह से. अब क्या है इसका कहने का मकसद, ये कि लोग पीपल्स आर ड्राइविंग, लोग ड्राइव कर रहे हो एंड एज वेल एज यूजिंग द मोबाइल, और साथ ही साथ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. सो इट बिकम्स क्वाइट डेंजरस. तो इसकी वजह से क्या ये डेंजरस सिचुएशन बन जाती है, एंड नॉर्मली एक्सीडेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस. और फिर क्या एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं इसी की वजह से. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अ नॉर्मल सिचुएशन इज गोइंग ऑन एट होम, दैट देयर आर टू और थ्री ब्रदर्स और देयर आर टू और थ्री सिबलिंग्स आर सिटिंग इन द सेम रूम. ठीक है, एक ही जगह पे बैठे हुए, बट ऑल आर बिजी इन देयर पर्सनल मोबाइल, सबके सब के अपने मोबाइल में बिजी. नोबडी इज केयर अबाउट अदर्स, कोई भी किसी की केयर नहीं कर रहा. नोबडी इज शेयरिंग, नोबडी इज कन्वर्सिंग ईच अदर, ऑल आर बिजी ऑन देयर मोबाइल, सबके सब मोबाइल पे बिजी. तो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम टू यूज़ अ लॉट ऑफ, ठीक है, टू मच यूज़. तो इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. इट इज़ डिस्टर्बिंग, ये डिस्टर्बिंग भी होता है. ठीक है, ये हमें क्या करता है, डिस्टर्ब भी करता है. व्हेन दे रिंग एट वेडिंग, जब कभी भी शादी में बज जाए. ठीक है, जैसे शादी ब्याह के अंदर क्या, वी आर डूइंग सम वर्क एंड इट रिंग्स, ये बज जाए तो क्या है, इट डिस्टर्ब्स. फनरल्स, हम जनाजे वगैरह के अंदर हैं, ठीक है, मैयत वगैरह में ये बज जाए तो वहाँ भी क्या होती है, एक हेजिटेशन भी होती है, और इट डिस्टर्ब्स एज वेल, डिस्टर्ब भी कर. कॉन्सर्ट, किसी कॉन्सर्ट में हो तब भी, एंड अदर इवेंट्स हो, किसी भी इवेंट्स में हो दूसरे, तो इट डिस्टर्ब्स अस. इट इज़ डेंजरस टू यूज़ अ हैंड हेल्ड सेल फोन वाइल ड्राइविंग. देखो वही बात आ गई कि क्या ये ख़तरनाक इस्तेमाल है. हैंड हेल्ड मतलब जो हाथ वाले जो मोबाइल होते हैं उसको इस्तेमाल करना ड्राइविंग के दौरान, ड्राइविंग के दौरान इसको यूज़ करना, जाहिर सी बात है, इट इज़ क्वाइट डेंजरस. ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, आपकी अपनी जान, अपनी माल, अपनी गाड़ी भी जो है ख़तरे में आ जाती है, और दूसरों की भी आ जाती है. एज दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या है, रिस्क को क्या कर देता है, इजाफा कर देता है. किस चीज़ के रिस्क का इजाफा कर देता है, एक्सीडेंट होने का. ठीक है, ट्रैफिक हादसात का. यूज़ ऑफ हैंड हेल्ड फोन्स बाय ड्राइवर हैज़ बीन बैन इन मैनी कंट्रीज़. अब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो हैंड हेल्ड सेट जो है मतलब मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर पक्का क्या है, बैन है, कैद लगा दी गई है. ठीक है, वो अगर यूज़ करते हुए नज़र आ गए तो उनका चालान कटेगा, उन्हें क्या है जुर्माना लगेगा, पे करना पड़ेगा उसको. ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगेगी. तो बहुत सारे ममालिकों के अंदर क्या है, हैंड हेल्ड सेट के ऊपर बैन लगा दिया गया है. सेलफोन कॉल्स आर ऑल्सो बैन. अच्छा, सेलफोन कॉल्स भी बैन कर दी गई है ऑन एरोप्लेन्स. कहाँ पर? एरोप्लेन में, प्लेन्स के अंदर भी सेलफोन कॉल्स क्या है, बैन है. उसकी बैन होने की वजह क्या है, एज द इंटरफेयर, तो क्या करते हैं, बीच में पड़ जाते हैं, दखल अंदाजी करते हैं विद द प्लेन्स सिग्नल इक्विपमेंट. जो प्लेन्स के इक्विपमेंट होते हैं, जो क्या है, सिग्नल जेरो होते हैं, उसमें क्या करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, उनके सिग्नल्स को तोड़ते हैं, बीच में आते हैं दखल, जिसकी वजह से प्लेन की सिग्नलिंग सही से नहीं होती. तो इस वजह से एरोप्लेन के अंदर क्या है, सेल फोन्स आर टोटली बैन, कॉल्स मीन्स कॉल्स आर टोटली बैन. ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन एज वेल, विच शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और शुड और मस्ट बी बैन. ठीक है,
So this is all about our topic, technology. Now we have thoroughly learned the topic. Inshallah, we will learn its bookworking in our next video class. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.